खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खाद कारखाना एम्स और आरएमआरसी की 9 प्रयोगशालाओं के साथ ही कुछ और विकास कार्यों का लोकार्पण पीएम करेंगे। गोरखनाथ मंदिर के सभागार में रविवार सुबह मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने आ रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा, विकास की रफ्तार को धार मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हो जाएंगे, इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा है। आपको बता दें कि गोरखपुर सीएम सिटी है, तो ऐसे में इस पे मुख्य तौर पर फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्वांचल पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। चाहे वो खाद हो, कारखाना हो, एम्स हो, आरएमआरसी की 9 प्रयोगशालाओं के साथ ही कुछ और विकास कार्यों का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी कर सकते हैं और वहीं सभागार में रविवार को सुबह मीडिया कर्मियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की थी। इसी बातचीत में उन्होंने इस दौरे की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ऐतिहासिक होने जा रही है, योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ की जनता जो है उनके सपनों को साकार करने जा रहे हैं, यानी कि पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, विकास तेजी के साथ बढ़ेगा, पूर्वांचल जो है उसमें और ज्यादा विकास की धार बढ़ेगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, विश्व स्तरीय हो जाएंगी, ताकि जो जिले के लोग हैं उन्हें दूसरे इलाकों में ना जाना पड़े, तो इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए। तो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा है। गोरखपुर पहुंचेंगे, यहां पर 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। शिलान्यास लोकार्पण का कार्यक्रम है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गोरखपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, गोरखपुर का बहुत ही बड़ा जो है सौगात मिलने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी जो है आने वाले हैं 7 तारीख को सुबह। पीएम जो है 7 तारीख को 10 बजे से कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर पीएम मोदी जो है फर्टिलाइजर का उद्घाटन में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो है एम्स का भी तो उन्होंने उद्घाटन करेंगे, जिसके लेके पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम के जो भी कार्य स्थल है, एडीजी जोन ने ये निरीक्षित पूरी निरीक्षण कर लिया है, और इसके पूरी जानकारी जो है उन्होंने दिया है कि पूरा जो है निरीक्षण कर लिया गया है। बिल्कुल, देखा जाए तो गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है। ऐसे में गोरखपुर को वैसे ही जो राज्य सरकार की तरफ से सौगातें हैं वो मिलती रहती हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो गोरखपुर का विकास किस तरह से होने जा रहा है, कितनी खुशी है जनता में और किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, तस्वीरें कैसी हैं? जी बिल्कुल, तस्वीरें जो है, बात करें कि लोगों में स्थानीय लोगों की या पूर्वांचल के लोगों की बहुत ही सुखद पल है, क्योंकि ये जो एम्स बन जाने से, खाद कारखाना बन जाने से काफी रोजगार का बढ़ावा मिला हुआ है, और जो भी खाद कारखाना जो है यहाँ पे चालू हो गया है। बिल्कुल, खाद का बार बार जिक्र हो रहा है, ये बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। देखिए, अगर खाद की हम बात करें तो बहुत सारी खबरें पहले आ चुकी हैं, हम लोगों ने भी वो खबरें दिखाई थी, हमारे पास भी आई थी, ग्राउंड जीरो पर भी हम पहुंचे थे, आपने भी खबर भेजी थी कि खाद की किल्लत जो है वो किसानों को बहुत ज्यादा है। जब ये परियोजना, ये जो योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, इससे कितनी राहत किसानों को मिल सकती है? जी बिल्कुल, राहत जो है बहुत बड़ी राहत किसानों को मिल पाएगी। जैसे ये गोरखपुर का खाद कारखाना के निर्माण करीब जो है 800 करोड़ की लागत से हुई है, क्योंकि इसका जो परिसर है 30,000 करोड़ लागत से विशेष जो है ये रकम बनाई गई है, क्योंकि मतलब ये एक तरह से माना जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों के लिए। इसमें करीब 12.7 लाख मीट्रियन टर्न ओवर की उत्पादन इसकी
होने जा रही है। इस उत्पादन से काफी पूर्वांचल के जो भी किसान होंगे इनसे जो है काफी उनको राहत मिलेगी। खाद जो जो जितने भी लोग हैं जो भी किसान हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और इस दौरे को सियासी तौर पर हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या मायने हो सकते हैं? जी एक इसके देखिए माने तो कई मिलाया जा सकते हैं क्योंकि चुनाव स्तर पे है और योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर में है, पूरी निरीक्षण कर रहे हैं, पूरी मतलब यहाँ के पूरे कमान संभाले हुए हैं, एडीजी जोन से हमारी बात हुई है, ये सारी चीजें निरीक्षण कर रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था कि जो भी सरकार की तमाम उपलब्धियां उन्होंने गिनाई थी, लेकिन एक तरफ पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब सुखद पल है क्योंकि विगत कई वर्षों से ये सारी कारखाने बंद पड़ी हुई थी। बिल्कुल मृत्युंजय, अगर हम देखें तो इन योजनाओं से सिर्फ गोरखपुर ही नहीं आसपास के जो जिले हैं उनका भी विकास तय है। जी बिल्कुल, यहाँ 4 जिले जैसे महाराजगंज हुआ, कुशीनगर हुआ, गोरखपुर हुआ, देवरिया हुआ, इन जनपदों का जो जो भी विकास इससे जुड़ा रहता है, गोरखपुर के सर्कल में आता है और इसका विकास जो है 4 जिलों में बहुत महत्वपूर्ण जो है रखता है। 4 जिलों की जो भी लोग हैं आप देख सकते हैं कि पूरी मतलब एक तरह से सारे किसान जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।